सिखौड़ा ग्राम से हुआ। इस योजना का उद्देश्य देश के अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करनी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 या अधिनियम 12 सितंबर 2013 से प्रभावी हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को 12 सितंबर 2013 से प्रभावित हुआ इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषक सुरक्षा मुहैया कराना है। इसकी कुल प्रमुख व्यवस्थाएं निम्न है। यह अधिनियम कुल जनसंख्या का लगभग 67% ग्रामीण जनसंख्या के 75 एवं शहरी जनसंख्या के 50% लोगों की अनुदानित दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत लाभकर्ता को 50 केजी चावल गेहूं या मोटे अनाज क्रमशः 3.2 तथा 1 रुपये प्रति किलोग्राम प्रदान करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माँ को गर्भधारण की अवस्था तथा प्रसव के 6 महीने बाद तक आंगनवाड़ी के मत से भोजन मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत प्राप्त लाभकर्ताओं को संबोधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि उसे उतनी मात्रा में खाद्यान्न नहीं प्राप्त होता है या भोजन नहीं मुहैया हो पाता है जितना उसे प्राप्त होना चाहिए। आज हमारे मन में आया, हमारे घर में एक बुक पड़ी थी और उसी को हमारा पढ़ने का मन कर दिया। मैं सोचा कि लाइव आने के बाद आज ये बुक जो है ना पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए भाई, कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए भाई, कमेंट करो। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए हमें। अगर आप लोग यूट्यूबर हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछिए, हम बताएंगे। हमारे पास माइक भी नहीं है, ना तो कैमरा है। मेरे पास है ये 2-3 हज़ार 4 हज़ार की मोबाइल है। मैं उसी से अपना यूट्यूब पे काम करता हूँ। और हमारे पास कैमरे भी नहीं है, ना तो माइक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से बड़ी उम्मीद रहती है। ये हमारा पवन कुमार ब्लॉग चैनल है। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे या जुड़े हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं लाइव हूँ इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करो भाई, कमेंट करो। देखिए, जब लाइव में कमेंट आता है तो अच्छा लगता है। कमेंट करो भाई, कमेंट करो। ऑल मैसेज बी सी